गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में अपन ने मिक्सचर के बारे में देखा था। मिक्सचर क्या होता है कि ग्रुप ऑफ टू और मोर कंपाउंड। जब अपन दो या दो से ज्यादा कंपाउंड को आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? मिक्सचर। अपन ने इसके टाइप्स भी देखे थे। मिक्सचर कितने टाइप का था? टू टाइप का। वो कौन से? होमोजीनियस और हिटरोजीनियस। होमोजीनियस अपन ने किसको बोला था? जिसका कंपोजिशन वो यूनिवर्सल हो, और जिस मिक्सचर का कंपोजिशन नॉन यूनिवर्सल होगा उसको अपन ने क्या बोला था? हिटरोजीनियस मिक्सचर। आज अपन मिक्सचर के करेक्टर्स देखेंगे। तो पहला देखिए, इस कंपोनेंट में भी प्रेजेंट इन एनी प्रपोर्शन। इसके जो कंपोनेंट है वो किसी भी प्रपोर्शन में प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके पार्टिकल बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। इसके पार्टिकल डिजोल्व भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है इट शो द ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट। मिक्सचर है वो क्या करता है? इसके सारे कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी को शो करता है। जो जो कंपोनेंट आपने मिलाए हैं ये उसकी सबकी क्या करेगा? प्रॉपर्टी को शो करेगा। फॉर एग्जांपल, आपने वाटर के अंदर साल्ट और शुगर को डिजोल्व किया है तो टेस्ट कैसा आएगा? साल्टी स्वीटी, खारा खारा मीठा मीठा टेस्ट आएगा ना। मतलब जो मिक्सचर है उसने प्रॉपर्टी शो कर दी। किस किस की? नमक की भी और शक्कर की भी। थर्ड देखिए, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर नो एनर्जी लाइक हीट लाइट एब्जॉर्ब और इवोल्व। मतलब जब अपन मिक्सचर को बनाएंगे तब किसी टाइप की कोई एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब होगी ना बाहर निकलेगी, ठीक है। फोर्थ वाला देखिए, इट्स कंपोनेंट के भी सेपरेट बाय फिजिकल मेथड। जो मिक्सचर है उसके कंपोनेंट को अपन सिंपल फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। सिंपल फिजिकल मेथड जैसे कि फिल्ट्रेशन, छान करके, ठीक है ना, डिस्टिलाइजेशन। इस तरह से अपन इसके जो कंपोनेंट है उसको अपन क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में भी अपन प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में भी अपन पढ़ चुके हैं। सॉल्यूट क्या होता है? द कॉम्पोनेंट विच इज डिजोल्व इन सॉल्वेंट। जिसको अपन सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे, घोलेंगे, जो घुलता है उसको अपन क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? इन विच डिजोल्व है सॉल्यूट। जिसके अंदर अपन जो सॉल्यूट है उसको डिजोल्व करेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। और इसको मैंने एग्जांपल से बताया भी था आपको कि जैसे कि वाटर है, वाटर के अंदर आप शुगर को घोल रहे हो, डिजोल्व कर रहे हो, तो शुगर तो आपकी क्या हो जाएगी? सॉल्यूट। और किसके अंदर घोल रहे हो आप शुगर को? वाटर के अंदर, तो वाटर आपका क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। और शुगर और सॉल्वेंट का जो मिक्सचर है वाटर का, वो आपका क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। तो समझ में आ गया सॉल्यूशन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो होगा जिसको अपन बोल रहे हैं, सॉल्वेंट वो होगा जिसमें अपन बोल रहे हैं। और इसका एग्जांपल वाटर और शुगर है। जैसे कि वाटर के अंदर अपन शुगर को बोलेंगे तो शुगर सॉल्यूट, और किसके अंदर बोल रहे हैं? वाटर के अंदर, तो वाटर क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। और दोनों का जो मीठा पानी बनेगा वो आपका हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो सॉल्यूशन है उसके टाइप्स और इसके करेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको इनको लर्न करना है और आपकी रफ नोटबुक में राइट डाउन करना है।